नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सीए जैसी कठिन परीक्षा जिसके लिए विद्यार्थी महीनों तक मेहनत करते हैं, क्या आपको लगता है कि दसवीं में बार बार असफलता पाने के बाद भी कोई शख्स उसमें सफल हो सकता है? शायद हो सकता है अगर इरादे मजबूत हो और मंजिल पाने का जज्बा हो तो ये भी संभव है। और इसी की जीती जागती मिसाल है मुकेश सिंह राजपूत। आइए मिलाते हैं आपको। बात है, हमारे स्वर्गीय श्री वाधुमल वासवानी जी ने मुझसे कहा कि मुकेश, ये बैलेंस शीट, पीएनएल और ये डॉक्यूमेंट्स सीए मनोज खरे सीए को देकर आओ। मैं जब मनोज खरे सीए जी के ऑफिस में पहुंचा तो मैंने देखा 10-12 लोग बाहर काम कर रहे थे, सर अंदर एक केबिन में बैठे हुए थे और उनके काम से देख कर लग रहा था बहुत ही प्रोफेशनल थे, अपने काम से बहुत तेज थे। मेरे अंदर जिज्ञासा जागी और मेरा मानना है कि हर विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा सालों मेहनत करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक लम्हा या एक थॉट ही तकदीर की इबारत बदल सकता है। मुकेश सिंह राजपूत इसकी जीती जागती मिसाल हैं। हर आम बच्चे की तरह मुकेश कभी स्कूल नहीं गए, ना ही कभी किसी ने उनसे ये सवाल किया कि बड़े होकर क्या बनोगे, ना उन्होंने खुद कभी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। फिर आज मुकेश जिस मुकाम पर है वो उनके जैसे लोगों के लिए एक सपना ही होता है, जब उनकी लिखी एक किताब का बहुत ही जल्द विमोचन होने जा रहा है, जिसके विमोचन होने से पहले ही छात्रों में उसकी डिमांड बढ़ गई है। मुझे शिक्षा के लिए जो लोगों ने प्रेरित किया कि आपको पढ़ाई इस तरह करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो चीज मैं चाहता हूँ शिक्षा के बारे में दूसरों को बता पाऊँ, इसलिए किताब लिखी गई। और संघर्ष की जर्नी बहुत कठिन है और उसे बहुत शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी छोटे से बच्चा जो 8 साल का बालक है, आप वो घर छोड़ के भागने के बाद किस प्रकार वो सीए के मुकाम तक पहुंचा अपने लेवल पर, ना उसको किसी ने मदद की, ना केवल पैसे, किस तरह उसने पैसे कमाए, कैसे किया, वो सारी जर्नी मेरी किताब में बहुत अच्छी दी गई है। पेशे से सीए मुकेश ने किताब लिखी है सीए पास अ रियल स्टोरी, जिसमें उन्होंने खुद के सीए बनने का सफर भी बताया। उनके लिए ये सफर बेहद खास है क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए, महज 2700 रुपए में वो सीए बन गए। दूसरे बच्चों की तरह उनका बचपन स्कूल और किताबों के बीच नहीं गुजरा, बल्कि वो कभी चाय के ठेले पर काम करके तो कभी कबाड़ उठाकर और लोडिंग ऑटो चलाकर बड़े हुए हैं। मैं 8 साल की उम्र से ही चला गया था, बहुत लंबी यात्रा रही है। पहली बार मुझे किसी से प्रेरणा मिली कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मैंने 5वीं से डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरा था ओपन पत्राचार स्कूल से, और 3 बार मैं उसमें फेल हुआ था। 4थी बार मैंने 10वीं पास की थी। फिर मैंने 12th प्राइवेट किया, क्योंकि मैं ऑटो ड्राइवर का जॉब करता था, वो भी प्राइवेट किया। 1st ईयर भी प्राइवेट किया, 2nd ईयर भी प्राइवेट किया। फाइनल ईयर में मैंने चित्रांश में एडमिशन लिया था और मैंने वहाँ से रेगुलर फाइनल किया था। वहीं पर मेरे कुछ मित्र मिले थे जिन्होंने मुझे सीए की पढ़ाई में बहुत पैसे से हेल्प की थी। जब पढ़ाई की लगन लगी तो इतना तेजी से आगे बढ़े कि अब वो एक रेनाउंड सीए हैं और किताबें लिख रहे हैं। उनका जीवन एक सबक है उन लोगों के लिए जो दिन का बड़ा हिस्सा किताबों के बीच गुजार देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं अर्जित करते और असफल रह जाते हैं। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी सफलता को देखते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे का जो एक संघर्षपूर्ण सफर रहता है शायद उसे जान नहीं पाते या फिर जान सकते नहीं हैं। कई तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर मुकेश की अगर बात करें तो मुकेश सिंह राजपूत एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ संघर्ष किया। बचपन की, जैसे हमने उनकी बातें भी सुनी, बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने एक चाय के ठेले पर काम किया, तो होटलों में काम किया और कई ऐसे संघर्षपूर्ण वो रास्ते पर चले। उसके बाद में उन्हें एक इंस्पिरेशन मिला और आज वो एक सफल सीए बन चुके हैं। मुकेश सिंह राजपूत खुद हमारे साथ में मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यहाँ याद किया।